नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आई हुए मैसेज का मैं रिप्लाई देना चाहूँगा। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप भी हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के माध्यम से आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूँ। हमारे पास मैसेज आया है, लव योर सेल्फ, इनकी अपनी ये आईडी है। इन्होंने लिखा है, साउथ वेस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड है और टॉयलेट भी है, इससे क्या होता है प्लीज़ बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब साउथ वेस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड होता है तो उसके कारण घर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती, आपसी संबंध अच्छे नहीं होते। जिस घर में बच्चे शादी के लायक होते हैं वहाँ पर बच्चों की शादी होने में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए साउथ वेस्ट कॉर्नर कभी भी बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए। आपकी यहाँ पर टॉयलेट बनी हुई है तो वो भी वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत मानी जाती है, क्योंकि साउथ वेस्ट में जब भी टॉयलेट बनती है तो उसके कारण भी दिक्कत आती है। आपके यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो साउथ वेस्ट का एरिया बड़ा हुआ है यहाँ पर जो टॉयलेट बनी हुई है, इस टॉयलेट का फ्लोर लेवल पूरे घर के फ्लोर लेवल से कम 3 से 6 इंच ऊँचा जरूर करें, और यहाँ पर ऑफ वाइट कलर या मटमैला कलर करेंगे तो उससे भी आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। जो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर बड़ा हुआ है, यदि एल शेप में बड़ा हुआ है तो उस कॉर्नर को, पूरे के पूरे कॉर्नर को ऊंचा कर दें, और दीवार तिरछी होकर साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ रहा है, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर आपका 90 डिग्री प्लस है या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका 90 डिग्री प्लस है और उसके कारण साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर को आप हल्की चांद की आकृति वाला गोल करेंगे तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ जरूर मिलेगा। तो आप अपने यहाँ पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में इस तरीके के उपाय करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है साउथ वेस्ट कॉर्नर को अलग करने की, तो मैं कहूँगा कि आप साउथ वेस्ट कॉर्नर को कट करके बिल्कुल अलग कर दें। ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और जो उपाय मैंने आपको बताए उससे आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवा सकते हैं, और आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।